सरकार खामोश है, बोल नहीं रही, कोई ना कोई प्लान जरूर बना रही। ऐसे में कृषि मंत्री बयान देते हैं कि जितनी भीड़ लगानी है लगा लीजिए, कानून वापस ले। भीड़ तक कानून का, भीड़ तो भाई सत्ता भी बदली जा, भीड़ तक कानून कानून थोड़ा। अभी तो नौजवान ने बिल वापसी की बात करी है, सत्ता वापसी की तो करी नहीं। बंगाल में लेके ले, बंगाल जाएंगे। और हमारा ये है कि जो उत्तराखंड का जो किसान प्लान कर रहा है उसकी 5 पॉलिसी हमने सरकार को दी है, पहले भी हमने लिख कर दी इनको, उस पर काम करना पड़ेगा तो उत्तराखंड का किसान बचेगा, ये हमने कहा है। और भारत सरकार से अलग तरह की लड़ाई है, वो लड़ी जा रही है। किसान प्रदर्शन पे जनता अपना हिस्सेदारी रूप दिखा रही है। अरे सरकार को चैलेंज क्यों नहीं करेंगे, 70 साल से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं, किसान रह रहे हैं। कोई एक बेवकूफ आदमी आया कोई पर्चा लेके और कहने लगा जी मेरी जमीन है, जितने सरकारी ऑफिस बन रहे हैं जितने बन रहे हैं, क्या ये सरकार उनको छोड़ देगी, जो थाने डीएम के उसके जो ऑफिस घर बने हुए हैं। ठीक है जी, किसान लगातार परेशान है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार अपना तानाशाही रूप तानाशाही दिखा करे सरकार भाई, सरकार बड़ी चीज हो तो किसान रणनीति, और रणनीति हम क्या कहीं जा रहे, लगातार जारी रहेगा, हाँ जारी रहेगा। क्या लगता है सरकार जल्दी नहीं मानने वाली? ना थोड़ा सा टाइम लेगी सरकार, अंतिम सवाल है, किसान निपट जाएगा मामला, किसी कानून का जो इसी साल निपट जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल दूध को लेकर, जो दूध आप 100 रुपए लीटर बेच रहा है, शराब क्या दे रुपया लीटर है, शराब वाले से कभी पूछा? उसी को लेकर कोल्ड ड्रिंक 48 रुपया लीटर बिक्री, दूध 20 रुपया लीटर बिक रहा, तो किसी कंपनी वाले से पूछ जाके कोल्ड ड्रिंक का ये रेट क्यों है, इस स्टेप से क्या उम्मीद लगाई जाए? अरे देखेंगे भाई, स्टेप से तो ठीक है, बड़ा दूध पियो मौज लो। 15 दिन से सरकार से में कृषि मंत्री बयान देते हैं कि जितनी भीड़ लगानी है लगा लीजिए, कानून वापस ले। भीड़ तक कानून का, भीड़ दे दो भाई सत्ता भी बदली जा, भीड़ तक कानून कानून थोड़ा। अभी तो नौजवान ने बिल वापसी की बात करी है, सत्ता वापसी की तो करी नहीं। बंगाल में लेके ले, बंगाल जाएंगे? हाँ बंगाल क्यों नहीं जाएंगे, बंगाल भी जाएंगे, वहाँ पे भी किसानों को बहुत दिक्कत है। असर पड़ेगा आपके बंगाल जाने से? अरे क्या असर पड़ता भाई, किसानों की लड़ाई लड़े जाएगी वहाँ पे। देवनगरी देवभूमि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेकर किसानों का क्या रुख रहेगा? अभी क्या पता किसानों का क्या रुख रहेगा, लड़ाई लड़े जाएंगे भाई। अभी तो फसलों का रेट का सवाल है, जमीन बचाने का सवाल है, ये सब किसानों की अगर जमीनों की तरफ देखा तो उसका इलाज करेंगे उत्तराखंड सरकार का। हाँ ठीक है, थैंक यू।